हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात चल रही है एंड हर तरफ मालदीव वर्सेस इंडिया की बात चल रही है एंड अब सब सोच रहे हैं कि मालदीव तो अब गया एंड तबाह हो जाएगा एंड खत्म हो जाएगा। एंड ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मालदीव के 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स ने उल्टी सीधी बातें कर दी मोदी जी के बारे में। बिकॉज मोदी जी लक्षद्वीप के अंदर, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, उसके अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अभी 4 जनवरी को गए थे। लेकिन क्या मालदीव के ऊपर हमारे इंडिया का कोई असर पड़ेगा? क्या मालदीव के ऊपर इस बॉयकॉट ट्रेंड का कोई असर पड़ेगा? एंड आखिर क्यों इन 3 नमूनों को चुल उठी फालतू बकवास करने की? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मालदीव जो है वो एक बहुत ही छोटा सा देश है एंड वो इंडियन ओशियन में ही आता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेड है एंड फिशरीज के ऊपर। फिशरीज मतलब मछुआरे हैं ये लोग, मतलब मच्छियां पकड़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्निंग्स, गवर्नमेंट जो रिवेन्यू कमाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मदद करते हैं दोनों के दोनों सेक्टर। एंड ये दोनों के दोनों मिलकर कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करते हैं मालदीव की जीडीपी में। यहाँ पर जो ये टूरिज्म है ये बहुत बड़ा सोर्स है मालदीव के अंदर एंड इंडिया से काफी सारे लोग मालदीव के अंदर घूमने के लिए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मालदीव के अंदर इंडियंस का क्या रोल है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का मालदीव के टूरिज्म सेक्टर के अंदर। यहाँ पर हमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चलता है कि 11.2% कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का मालदीव के टूरिज्म सेक्टर के अंदर। करीबन 18 लाख लोग 2023 में मालदीव के ऊपर घूमने के लिए गए थे। 2018 के अंदर ये परसेंटेज सिर्फ 6.1% थी एंड उससे ये जंप कर गई आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर एंड अभी भी ये आगे बढ़ सकती थी। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं दिख रहे कि मालदीव के अंदर इंडियंस जाएंगे। बिकॉज ये बॉयकॉट वाला जो चल रहा है ये हर जगह पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए, जो फसाद की जड़ है ये 3 नमूने हैं जिनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो 3 डिप्यूटी यूथ मिनिस्टर्स हैं जिनका नाम है मरियम शियुना, महजूम मजीद एंड मलशा शरीफ, इन लोगों ने मोदी जी के बारे में बड़ी गलत गलत बातें बोली हैं एंड इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर अनाप शनाप बका इंडिया के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों नमूने थे इन्हें इनके घर पे बिठा दिया गया है, से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है मालदीव की सरकार के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके बारे में अनाप शनाप चीजें बकी थी। देखिए, ये दरअसल यहाँ पे चीज ये है, देखो मैं कई बार ये चीज कह चुका हूँ, कोई भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ना करते हो, जहाँ पर कि ऐसा कचरा एग्जिस्ट ना करता हो एंड ये लोग उसी में आते हैं। देखिए, मोदी जी जो वहाँ पर गए थे वो लक्षद्वीप के ऊपर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए थे। ये लोग जल गए उस चीज से एंड इन लोगों को लगा कि अगर यहाँ पर टूरिज्म जो प्रमोट होगा वो, तो फिर हमारे मालदीव का क्या होगा, कि हमारा क्या होगा फिर। एंड तब जाके इन लोगों ने एक कदम उठाया। मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने संडे को इस चीज को कंडेम कर दिया है एंड इस चीज पे टिप्पणी की है एंड उन्होंने कहा है कि ऐसी बातों से इंडिया और मालदीव के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आई कंडेम द यूज ऑफ हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया बाय मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन सोशल मीडिया। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ गुड फ्रेंड टू मालदीव्स एंड वी मस्ट नॉट अलाउ सच रिमार्क्स टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द एज ओल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन आर टू कंट्रीज। मालदीव के अंदर इंडियन टूरिस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे एंड काफी फायदा हो रहा था एंड यहाँ पर ये जो लोग हैं इन लोगों ने सारा का सारा काम खराब कर दिया। ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम बोल देंगे तो मतलब हम मालदीव को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों को लात मार के निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि हर जगह पर मालदीव चल रहा है। तुम ना एक मैं तुम्हें बात बताता हूँ, तुम ना यूट्यूब के ऊपर जाओ, तुम ना इंटरनेट में कहीं पे भी चले जाओ, वहां पर तुम जाके सर्च करो मालदीव, तुम्हें मालदीव देश की ना तो कोई फुटेज आएगी ना कुछ आएगी। आएगा क्या? हमारे इंडियन मीडिया चैनल्स जो कि मालदीव की 24 घंटे बुराई कर रहे हैं एंड बंटाधार कर दिया है, सारे के सारे एक तरफा से लगे पड़े हैं, जैसे कि इन्हें कोई भाव ना देता हो। इंडिया की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिया का अपना एक रॉब है जिसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। हर वक्त इनका चल रहा है मालदीव 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 एंड ये इन लोगों को अब नया मुद्दा मिल गया है, क्योंकि न्यूज तो इन लोगों का देने का काम नहीं है। उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है मालदीव के अंदर। देश के अंदर क्या कोई और काम नहीं बचा है? क्या दुनिया के अंदर वैसे ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स कम है? अब इन लोगों की लिस्ट में एक नया देश जुड़ चुका है। इन लोगों को पाकिस्तान का मुद्दा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो अभी किसी लायक ही नहीं है, अब ये लोग मालदीव के पीछे पड़ चुके हैं। बाकी आप सबका क्या कहना है इस सब के बारे में मेरे कमेंट्स में जरूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।